पर्पल जैकेट का सोचा कि हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो ये लग रहा है जी तड़का राजमा में, जो कल मैंने आपको दिखाए थे पहाड़ी राजमा, तो ये हमने इंस्टेंट ही बनाया, मतलब भिगोने के लिए नहीं डाले थे, सीधे डाल दिए बॉईल करने के लिए, और अच्छी तरह से अभी बॉईल हो चुके हैं। मतलब नॉर्मल जैसे हमारे राजमा आप डालते हो भिगोने के लिए और सीटी लगाते हो, उतना ही टाइम इसमें भी लगा। और बाकी अभी तड़के में ये डाल दिए, और मैं आपको बात बताऊँ ना, ये इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और कलर इसका जो भी कलर आप देख रहे हो ना, तो बिल्कुल नेचुरल कलर है, ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा कलर इसमें या कुछ जैसे देगी मिर्च डाल देते हैं ना, तो उससे भी कलर थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। तो बस थोड़ी सी जैसे हम नॉर्मल डालते हैं सब्ज़ी में, आप देखते ही हो। तो ये वाले ये राजमा थे, ये लोकल राजमा है, बाकी कल मैंने वीडियो में पूरा दिखाया है आपको। तो ये मैं दिखा रही थी आपको कि पहले हमने मतलब बॉईल करने के लिए सीधा ही डाल दिए थे, और ये गए जी सीधे तड़के में। और तड़के में जैसे मतलब बॉईल होगा ना, ये अभी तो आप जस्ट डाल ही हैं, तो फिर मैं आपको इसका नेचुरल जो कलर है ना वो दिखाती हूँ। और टेस्टी बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब अगर बहुत ज़्यादा मसाले, सॉरी बीच में कॉल आ गया था इंपॉर्टेंट, तो अगर आप बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह भी नहीं यूज़ करते ना, तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और ये देखिए कलर बहुत गजब के बने। चलते हैं अभी क्या बन रहा है। मैंने तो अभी फ़िलहाल सब्जी बना दी है, और ये बना रही है वंदना चपातियाँ। और भाई वंदना, ये देखिए जी ये सब्जी बनाई है आपने, आप देख सकते हैं इसकी, तो ये बनी है मशरूम और मटर की सब्जी। ये जी ये बनी है, और साथ में बनेंगी चपातियाँ। तो सब्जी तो लग रही है देखने में बड़ी टेस्टी। ठंडा काफी ज्यादा हो गई है, इधर लग रहा है। हाँ बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह हो चुकी है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और नंदू और नंदू का भाई भी आ चुका है खाना खाने के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ वो कितनी सारी रोटियाँ बची हुई हैं, मतलब एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, और भी हैं इसके अंदर नीचे तक। तो ये लोग ना मतलब बहुत वेस्टेज कराते हैं, जब मैं बना रही होती तब तो बोलते हैं ये खाएंगे, इतना खाएंगे, उतना खाएंगे, और खाते फिर कुछ नहीं है। इनके पापा ले आते हैं ना और चीज़ें खाने के लिए, तो फिर तब ये गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं खिला देती हूँ इन दोनों को। ले जी ले, ले भाई ले, तू भी खा। ये अभी हो गई है तैयार, होने वाली है, कहीं जा रही है भाई। अभी तैयार हो रही हूँ, मैं इनका सजेशन मांग रही हूँ कि मुझे बताइए कि मैं कौन से कपड़े पहनूं। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम पूरे स्टाफ के साथ, मतलब ये एक सर्कल मीट है ना, तो थोड़ा सा मतलब मैं पहली बार ही सबके साथ मिलूंगी, मैं इससे पहले किसी के साथ मिली नहीं हूँ। तो जी थोड़ा सा मतलब होता है ना कि भाई इंसान को कि नहीं अच्छा, मैं भी अच्छी लगनी चाहिए, पता नहीं कैसा क्या। अब मैं तो फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ, मतलब आप बिलीव कर सकते हो कि 2011 के बाद इस तरह से कभी कोई मतलब पार्टी पुर्टी सेलिब्रेशन ये सब चीज़ें नहीं हुई, मतलब जो हमारा चलता था यूट्यूब का वो तो आप देखते ही हो, बाकी इस तरह से कुछ हुआ नहीं था। थोड़ा सा लिटिल मैं इनकी एडवाइस मांग रही थी कि भाई मुझे बताइए कि मैं कैसे क्या पहनूं। और मैंने कुछ ड्रेसेस यहाँ पे रखे हुए, क्योंकि देखो मुझे सुबह जाना पड़ेगा बस में, है ना, फिर बस के बाद वहाँ आगे जो हमारी ब्रांच है वहीं से फिर हम लोग टोटल जाएंगे कुल्लू इन शॉर्ट बता दूँ, फिर वहाँ से उनके साथ जाऊँगी। तो मतलब बस का भी सफ़र करना होता है, तो उस हिसाब से मतलब सारी चीज़ों को देखना है। वैसे ये सर ने बताया कि कोई ड्रेस कोड नहीं है, जो मर्जी पहन के आ सकते हैं, अपनी मर्जी है, तो मर्जी है, मतलब चाहे जीन पहनो, चाहे सूट पहनो, चाहे कुछ भी पहनो, मतलब जो आपका इच्छा है। तो मेरे को तो मतलब सफ़र के हिसाब से और उस हिसाब से जैसे जाना होता है ना बस में, तो उस हिसाब से जीन्स का सही रहता है। वैसे तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन निकाल लिए हैं, मैं इनको बोल रही हूँ। और मैंने सोचा था, वैसे तो मैंने ब्लेजर का सोचा हुआ था ना, क्योंकि वो जो ब्लेजर मैंने लिया था ना, अभी मैंने निकाला नहीं है वो, क्योंकि मैंने कैंसिल कर दिया, मैं यार उसको रहने देती हूँ फिर कभी पहनूंगी। लेकिन ये रहा मेरा ब्लेजर ना, ये जब से लिया है ना उस दिन से मैंने इसको यहीं पे रखा हुआ है बेचारे को ना, तो
पिछली सर्दियों में मेरे को मौका मिल नहीं पाया था उसको लेने के बाद पहनने का, तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं इसको पहनती हूँ और इस तरह के कलर्स मेरे ऊपर अच्छे भी लगते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं बस में खराब कुछ लगवा जाए, धूल मिट्टी या कुछ भी खराब हो गया तो और पंगा, इसलिए मैं क्या रहने देती हूँ, फिर दाग वाग लग जाना तो वो अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि बस इसमें होता है ऐसे पता चलता है कि आपकी बाजू पूरी काली हो गई, तो इसलिए इसको तो मैंने कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद बारी आई इस वाले जैकेट की, सोचा कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। और फिर जी ये भी मतलब लॉन्ग जैकेट है ना, जैसे कि कुल्लू में काफ़ी ठंड होगी तो मंडी में भी धूप बहुत लेट निकलती है, तो उस हिसाब से ये है। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि मैं क्या बताओ ना भी मेरे को कोई ऑप्शन ढंग का, तो ये इस तरह की है, तो ये भी काफ़ी लॉन्ग में है उस हिसाब से, मतलब ठंड भी नहीं लगेगी। और ब्लैक पे तो कुछ मर्जी लग जाए कोई दिक्कत ही कोई नहीं है, मतलब चाहे बस की गंदगी लगे चाहे कुछ भी लगे। और इसके साथ मैंने सोचा था कि ये वाला टॉप मैं पहनूँ रेड कलर का, तो भी देखते हैं पतिदेव जो चूज़ करेंगे ना मैं वही पहनूंगी। तो एक ये है और एक ये है टॉप के लिए अंदर से, और एक ये है, मतलब ये ऑप्शंस निकाली थी क्योंकि ब्लैक के साथ ये कलर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं ना। और इसके लिए भी नीचे लोअर मतलब पैंट्स के लिए भी एक तो मैंने ये निकाल ली थी ना, ये ग्रे कलर की, वैसे अच्छी लगती है बट इसको मैं पहनना नहीं चाहती क्योंकि मैं हर बार पहनती रहती हूँ इसको, और थोड़ा ठंड भी है तो ठंड के हिसाब से मैं कल जो खरीद के लेके आई थी ना तो वो ये है। लेकिन ये वाला कलर मुझे ब्लैक के साथ कुछ जम नहीं रहा है, उतना खास लग नहीं रहा है, और वैसे है तो बढ़िया, स्टाइलिश भी है, नॉट मोट बांध के मतलब अच्छी लगेगी और गर्म भी है सबसे अच्छी बात। बट ब्लैक के साथ मैंने ये, मैं सोच रही हूँ कि ये वाली मैं अपनी जीन पहनूँ, इसे मैं बहुत कम पहनती हूँ, ये पतिदेव ने मुझे गिफ्ट की थी एक्चुअली, तो इसे मैं बहुत कम पहनती हूँ पर बहुत सुंदर है ये, तो ये मैं सोच रही हूँ। बट ये हाई वेस्ट नहीं है तो उस करके भी अब देखती हूँ भला कौन सा, अब जो अब मेरे जनाब सेलेक्ट करेंगे ना तो मैं वही पहनूंगी। अब आप बताइए मुझे क्या पहना, क्योंकि ये जो लोअर ये जो जैगिंग लेके आई थी ना ये मैं इसके साथ लाई थी, और इसके साथ तो बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन जैसा ना था ना ये, तो ये मैं ये लेके आई थी, बाकी इसके साथ फिर ये ऑप्शंस हैं। और अगर ये बोलते हैं कि ये भी अच्छी लग रही है तो मैं यही पहन लूंगी, मान हो गया, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जो ये बोल देंगे फाइनल है। तो बताइए आप, अब इनके ऊपर है जो मर्जी पहन लो जो अच्छा लगता है खुद को। अपने शूज भी निकाल के देखिए कर दिए हैं ओके रेडी, इनको भी मैं बहुत खास मौकों पर ही पहनती हूँ, तो खास मौका ही है तो मैं कह सकूँ मैं अभी थोड़ा अच्छे से वो करके, तो बताइए आप सिलेक्ट कीजिए जल्दी से जो आप बोल दोगे, मैं बस इतना सही निकाला हूँ, ज्यादा ताम जाम। चलो देखते हैं ना, क्योंकि अभी मैंने नहाना है थोड़ा सा, और उसके अलावा मतलब अभी और भी मेरे को काम है बहुत सारे, वीडियो भी एडिट करना है, तो कई चीजें हैं, ठीक है जी, मतलब टाइम मेरे पास भी नहीं है, तो जल्दी से मुझे बताइए। और इधर ही बताइए, फोन अब मैं पकड़ूंगी और आप मुझे बताएंगे तो वैसे कोई बात नहीं, डेक को हम कंट्रोल करा लेंगे, हम थोड़ा ध्यान से बनाते हैं वीडियो। ये जींस की पैंट बढ़िया है, पर साथ में ये पहन लो, साथ में ये जैकेट पहन लो, ये सिलेक्ट किया इन्होंने मेरे लिए रेड, फिर रेड और ब्लैक तो फिर बेटर वाली ड्रेस हो जाती है ना। ले जी रेड के साथ ही तो ब्लैक अच्छा लगता है, कमाल कर रहे हो। हाँ मुझे पता है आपको, जब मैं बोल रहा हूँ भाई ऐसा ही होता है। ये कौन से आ गया, वेटर वाली ड्रेस थी उसी, क्या बोल रहे हैं? देखिए मैं कभी बोल रहा हूं, रहने दो, ये जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत लाजवाब होता है, लेकिन मुझे पता है कि आप सोच रहे हो कि भी इतना लाजवाब कॉम्बिनेशन भी नहीं पहनना। लाल पहन ले भाई। नहीं नहीं नहीं, जो आपने पहले सिलेक्ट कर दिया मैं वही पहनूंगी। मैंने एक बोला था ना ऑप्शन बोला था क्योंकि जो आप बोलोगे वही मैं पहन लूंगी। ठीक है, और ठीक है चलो तो बस यही मतलब ये रिजेक्ट कर दिया आपने भी मेरा ब्लेजर और बाकी सारी चीज़ें, तेरी मर्जी। तो ब्लेजर के साथ ये था वैसे, मैंने सोचा वो सब हम दोनों जाने वाले थे ना, मतलब हमने सोचा था कि बस में जाएंगे, बस में नहीं सॉरी अपनी गाड़ी से जाएंगे हम दोनों, लेकिन अभी प्लान थोड़ा चेंज कर दिया हमने, तो फिर अब मुझे अकेले जाना पड़ रहा है, तो अकेले के लिए फिर मतलब ये चीज़ मेरे को बेस्ट नहीं लगी ना ऐसा। ठीक है ठीक है ठीक। और कोई क्वेश्चन, कोई आपकी चिंता, कोई आपका मतलब कुछ भी बोलना चाहें आप? नहीं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट। ठीक है, टाइम कैसे निकल जाता है ना, मुझे तो आजकल सच में कुछ पता ही नहीं चलता। ये मैंने रेमेडी बनाई है एक्चुअली, बालों में लगानी थी, लगानी है, बाल धोने हैं, तो अभी शाम का टाइम हो गया है इसको बनाते बनाते ही, तो बस मैं बालों में इसे लगा रही थी, बालों को पहले अच्छे से
उलझा ली सुलझा लिया सच में, मतलब इतना पजल हो रखी हूँ ना क्या ही बताऊँगा आपको। तो फिर ये लगाई और इतना करते करते मतलब थोड़ा अंधेरा होने लगा था, मेरे को लग रही थी ठंड इसको लगा करके, तो मैंने यहाँ पे आग भी जला दी और साथ में एडिटिंग कर रही हूँ मैं, अपनी हालात भी दिखाऊंगी आपको आगे अपने। अभी आप देख सकते हो शाम हो गई है और ठंड ना थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे सुबह मॉर्निंग में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड स्टार्ट हो गई है और इस टाइम शाम के वक्त भी ज़्यादा ठंड होती है। दिन में ऐसा होता है कि धूप लगी रहती है तो इतना पता नहीं चलता है। और ये देखो अभी कितना अच्छा सा मौसम है, बढ़िया सा, दिल तो मेरा कर रहा है कि घूमने निकल जाए, एक थोड़ी दूर 2-3 किलोमीटर ऊपर ट्रैकिंग करने। ये देखो ये ऊपर पहाड़ों, ये ऊपर पहाड़ी है, यहाँ पे घूम के आओ, थोड़ा वॉक भी हो जाएगा और थोड़ा हर चीज़ ठीक हो जाएगा। ये देख सकते हो आप मेरे हाल देख के आप हंसोगे, जो जिस कटोरी में मैंने रेमेडी बनाई थी ना, क्योंकि थोड़ा बहुत गिर रहा था बालों से, तो मैं क्या यहीं पे फिक्स कर देती हूँ और साथ में कर रही एडिट।